ऐसा रुका है मेरा वाइफ और ऐसा हालत में रखा है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। और क्या है ना, वो मेरा वाइफ का प्रॉब्लम हो गया था कि मेरा वाइफ प्रेगनेंट में है, तो 8 महीना हो गया और उसका जो बच्चे का पेट में जो बच्चा रहता है उस जगह पे ज़्यादा पानी हो गया बोल के डॉक्टरों ने स्कैनिंग किया था। मतलब स्कैनिंग किया था तो डॉक्टर ने बोला है कि एडमिट करना चाहिए, 3 दिन नहीं तो 1 सप्ताह रुकना पड़ेगा बोल रहा है। तो आज हम लोग इधर ही बिता दिया, मैं आज इधर ही बाहर में सोया और अंदर आने के लिए नहीं देता, अलाउड नहीं है उस जगह पे, देखिए उस जगह पे। और मैं अभी, मेरा एक आदमी आया है साथ में, हम दोनों, ये आदमी सो रहा है अभी तक, तो उठा नहीं है और मैं अभी उठ गया। मैं तो सोने का ही नहीं मिला, कल रात को 2 बजे तक, 2 बजे उठा, 2 घंटा सोया। उसके बाद फिर से वो उसको पाइप लगा के रखा है, उसको पानी निकालना पड़ेगा, निकल रहा है, मतलब उसका जो जो उसका जो जगह पे वो पाइप लगा के रखा है उसका जो अंदर का पानी है उसको धीरे धीरे निकल रहा है। 3 दिन लगेगा बोल रहा है, उसके बाद नहीं होगा तो और 1 सप्ताह लगेगा बोल रहा है। तो भगवान को, भगवान हम लोग को कृपा किया तो 3 दिन में हो सकता है। और आप लोग भी हम लोग को दुआ देना, मतलब हम लोग को भी आशीर्वाद, हम लोग का आशीर्वाद देना, इतना बोलने के लिए भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और ऐसा रुका है मेरा वाइफ और ऐसा हालत में रखा है, मतलब बहुत मतलब ट्रीटमेंट करके रखा है पाइप लगा के, हाथ में नीचे भी जगह ये है, ऐसा जगह में, ठीक है। ये है हॉस्पिटल और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तमिलनाडु का, और ये सेंगलपेट में, सेंगलपेट डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखते हैं कितना दिन लगते हैं। और एक्चुअली मैं स्कैनिंग करते करते जा रहा था, मतलब 3 स्कैनिंग का बाद में 3 स्कैनिंग हो गया था, तो 3 स्कैनिंग के बाद में ये रिजल्ट आया है कि पानी ज़्यादा हो गया बच्चे का जगह पे, इसलिए उसको निकलना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा बोल के कल बोला था, इसलिए आज कल एडमिट हो गया था, ठीक है दोस्तों। और क्या ना, इस हॉस्पिटल में ओनली लेडीज को अलाउड है अंदर जाने के लिए, तो हम लोग को जेंट्स के अलाउड नहीं है, ठीक है। और बाकी अपडेट में आप लोग को देते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल पर जुड़े रहना, और ऐसा ही मैं वीडियो आप लोग को, मेरा ब्लॉग वीडियो होगा, बहुत अच्छा अच्छा जगह आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय।